नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वच्छ इंडिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। वार्ड 9 रविदासपुरम में भाजपा पदाधिकारियों ने की बैठक। भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा जारी की गई पार्षदों की सूची में वार्ड 9 से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र चौहान पर दर्ज है कई मुकदमे। क्षेत्रीय जनता में व्याप्त भीषण आक्रोश। बैठक में आमजनों ने बताया कि प्रत्याशी वीरेंद्र चौहान बर्रा थाने से जा चुका है गांजा तस्करी में जेल। बैठक में बताया गया कि वीरेंद्र चौहान पूर्व में समाजवादी पार्टी के लिए हुए था सदस्यता तथा कई अन्य मामलों में संलिप्त रह चुका है। इस बारे में भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष डॉक्टर बीना आर्य पटेल से वार्ता करने पर जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं आलाकमान संगठन के शीर्ष नेताओं को दी जा चुकी है। कैसे किस तरह वीरेंद्र चौहान को संगठन की ओर से टिकट जारी की गई, इस पर संगठन जैसा फैसला लेगा उसे अमल में लाया जाएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।